वीडियो देख रहे सभी साथियों को मेरी तरफ से सत श्री अकाल। मैं दया सिंह, लेक्चरर इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिज़ाइन ऑफ की के नेक्स्ट न्यूमेरिकल के बारे में। इससे पहले हम ऑलरेडी 4 न्यूमेरिकल डिस्कस कर चुके हैं इस चैप्टर के, जिनके लिंक मैं आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से आप उनको देख सकते हो, समझ सकते हो। सो, इसी के साथ आज इस वीडियो के अंदर मैं एक रिक्वेस्ट करने जा रहा हूँ कि जिन बच्चों को, जिन कैंडिडेट्स को मेरे ये वीडियोस अच्छे लगते हैं, मेरे समझाए हुए टॉपिक्स समझ में आते हैं, वो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर सकते हैं, फर्दर आगे शेयर कर सकते हैं। सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल। सो द प्रॉब्लम इज गिवन एज अ 20 kW मोटर रन्स एट 950 RPM। It has a mild steel shaft of 40 mm diameter and extension of being 80 mm. The permissible shear and crushing stresses for the mild steel key are 60 MPa and 120 MPa respectively. Design a key in the motor shaft extension. Check the shear strength of the key against the normal strength of the shaft. सो, इस प्रॉब्लम के अंदर बेसिकली वो क्या कहना चाह रहा है कि एक हमारे पास मोटर है जो कि 20 kW पावर जो है वो ट्रांसमिट कर रही है, और उसके जो RPM है वो हमारे पास 950 RPM है, और इसी के साथ वो बोल रहा है कि एक शाफ्ट अटैच की गई है जिसका डायमीटर हमारे पास 40 mm है और उसकी जो लेंथ है वो है 80 mm की। उसी के साथ वो दे रहा है कि जो परमिसिबल स्ट्रेसेस हैं, जिसके अंदर शीयर स्ट्रेस की वैल्यू 60 MPa है, क्रशिंग की वैल्यू 120 MPa है, जो कि दोनों की दोनों स्ट्रेसेस जो हैं वो की हैं। सो नेक्स्ट उसी के साथ बोल रहा है कि हमारे पास जो शाफ्ट के जो एक्सटेंशन है, इसके साथ जो हम की यूज़ करेंगे उसको डिज़ाइन करके बताइए, जिसकी ये दो स्ट्रेसेस दी गई हैं कि उसके अलग अलग डायमेंशंस क्या क्या रखने चाहिए या क्या क्या ले सकते हैं। नाउ इसी के साथ वो अगला स्टेप बोल रहा है, चेक द शीयर स्ट्रेंथ ऑफ द की अगेंस्ट द नॉर्मल स्ट्रेंथ ऑफ द शाफ्ट, और एंड के अंदर जो हमारी शीयर स्ट्रेंथ होगी की उसको हमें कंपेयर करना है विद द नॉर्मल स्ट्रेंथ ऑफ द शाफ्ट, शाफ्ट की जो हमारे पास नॉर्मल स्ट्रेंथ होगी उसके साथ। सो इस क्वेश्चन के अंदर जो भी हमें गिवन डाटा है मैंने वो नोट कर लिया, दैट इज़ गिवन एज पावर हमारे पास जो दी हुई है मोटर की, दैट इज़ 20 kW, दैट इज़ इक्वल्स टू 20 × 10⁻³ W, एंड इसी के साथ मोटर की स्पीड है जिसको हमने RPMs के अंदर ले लिया, डायमीटर ऑफ द शाफ्ट D है 40 mm, लेंथ ऑफ द एक्सटेंशन 80 mm, और उसी के साथ जो स्ट्रेसेस की वैल्यूज दी थी, परमिसिबल शीयर स्ट्रेस फॉर द माइल्ड स्टील की टाउ दैट इज 60 MPa, इसको मैंने 60 N/sq mm के अंदर कन्वर्ट कर लिया, मेगा पास्कल से N/sq mm के अंदर। सो इसी तरह से नेक्स्ट मैंने क्रशिंग स्ट्रेस की वैल्यू दी जो दी थी उसको भी कन्वर्ट कर लिया 120 MPa से 120 N/sq mm के अंदर। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि हमें जो की डिज़ाइन करनी है उसके लिए हमें डायमीटर चाहिए, और डायमीटर जो है वो हमें दिया गया है, पर उसी के साथ जो फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं डिज़ाइन ऑफ की के लिए, तो वहाँ पे हमारा ट्विस्टिंग मोमेंट या जिसको हम टॉर्क बोलते हैं वो भी यूज़ होगा, तो उसके लिए हमें टी की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम टी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो नाउ कैलकुलेट द टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय द शाफ्ट फ्रॉम दिस फार्मूला ऑफ पावर। तो पावर का फार्मूला हमें पता है क्या दिया होता है, पी इज इक्वल्स टू 2πNT/60। इसको मैंने चेंज कर लिया, टी की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे, तो आ गया मेरे पास 60 × P/2πN। तो यहाँ पे मेरी जो सारी की सारी वैल्यूज गिवन है, 60 कांस्टेंट है, 2π कांस्टेंट है, यहाँ पे पी आरपीएम मुझे गिवन है, सॉरी पावर मुझे गिवन है, आरपीएम मुझे गिवन है, तो सभी की सभी वैल्यूज हैं मेरे पास। तो यहाँ से मैंने एक टी की वैल्यू निकाली जो आ गई मेरे पास 201 N/m के अंदर। तो यहाँ पे मैंने पहले भी पिछले वीडियोस के अंदर आपको बताया था कि जो भी वैल्यू हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे टी की, उसके जो यूनिट्स होंगे वो हमेशा ही न्यूटन मीटर के अंदर होंगे, इस चीज़ का खास तौर पे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, इसी को हमने कन्वर्ट कर लिया इंटू N/mm। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास फाइनल, द वैल्यू ऑफ टॉर्क इन N/mm।
सो नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास कि हमने की को डिज़ाइन करना है। तो की के डिज़ाइन के लिए हमें बेसिकली वैसे पता है कि जो की के डायमेंशंस होते हैं, जो हमारे पास रिलेशंस होते हैं, वो कुछ इस तरह से होते हैं कि विड्थ जो होती है वो हमेशा ही हमारे पास डी बाई फोर काउंट होती है, थिकनेस जो है वो डी बाई सिक्स काउंट होती है, और उसी के साथ जो लेंथ है लेंथ हमेशा ही 1.5 दी गई होती है। ये हमारे पास स्टैंडर्ड रिलेशंस है। जब हमने डिज़ाइन डिस्कस किया था तब हमने देखा था कि ये रिलेशंस किस तरह से हैं। सो सबसे पहले हम इनकी कुछ इन्हीं रिलेशंस को यूज़ करके कुछ कैलकुलेशंस किया मैंने। तो विड्थ ऑफ द की डब्ल्यू इज इक्वल्स टू डी बाई फोर, 40/4 दैट इज इक्वल्स टू 10 mm। तो यहाँ से ये चीज़ आ गई मेरे पास। नेक्स्ट है थिकनेस ऑफ द की दैट इज डी बाई सिक्स, 40/6 विच इज इक्वल्स टू 6.67। ये वैल्यू कुछ जस्टिफाई नहीं कर रही। अगर आप स्टैंडर्ड वैल्यूज चेक करोगे तो थिकनेस जो है वो जस्टिफाई नहीं कर रही। इसका कारण है कुछ। तो इसी के साथ मैंने नीचे एक नोट बना के लिखा है कि क्वेश्चन के अंदर अगर हम स्टेटमेंट पढ़ के देखें तो वहाँ पे जो क्रशिंग स्ट्रेस है दैट इज सिग्मा सी, वो हमें दोगुनी दी गई है, 2 times द शीयर स्ट्रेस। तो यहाँ पे अगर हम दोबारा स्टेटमेंट भी चेक करके देखें तो यहाँ पे देखिए ध्यान से कि एक माइल्ड स्टील की शाफ्ट है जिसके अंदर जो परमिसिबल शीयर स्ट्रेस है वो 60 MPa है एंड क्रशिंग स्ट्रेस जो है वो हमारे पास 120 है। अगर देखा जाए तो इसकी जो वैल्यू है इससे हाफ है, या इसको कह सकते हैं कि जो क्रशिंग स्ट्रेस की वैल्यू 120 MPa है वो 2 times है शीयर स्ट्रेस से। तो ये कंडीशन जब भी की के डिज़ाइन में हम लगाएंगे तब उस टाइम जो की का डिज़ाइन होगा वो हमेशा ही एक स्केयर की के रूप में होगा। सो, इसी के साथ हम ये चीज़ समझ गए हैं कि यहाँ पे हमें स्केयर की को डिज़ाइन करना है, ना कि एक रेक्टेंगुलर की को। सो, जैसे ही अभी हमने देखा कि हमें यहाँ पे एक स्केयर की को डिज़ाइन करना है क्योंकि विड्थ ऑफ द की W एंड थिकनेस ऑफ द की T आर इक्वल, तो वहाँ से हमारे पास ये चीज़ इक्वल आ जाएंगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो क्रशिंग स्ट्रेस है वो शीयर स्ट्रेस से डबल है, इसी के कारण। तो यहाँ पे स्केयर की डिज़ाइन करनी है, इसका डिज़ाइन अडॉप्ट करना है, तो वहाँ पे जो विड्थ होगी वो थिकनेस के बराबर होगी, दैट इज इक्वल्स टू 10 mm। तो इस चीज़ का खास तौर पे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है हमारे पास लेंथ ऑफ द की दैट इज इक्वल्स टू 1.5D। तो ये जनरल डिज़ाइन ही है, तो इसके अंदर हम इसको मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास लेंथ की वैल्यू भी आ चुकी है। तो जो तीनों की तीनों वैल्यूज़ अभी निकाली हैं हमने, अब इनको हमने चेक करना है क्या ये तीनों की तीनों डायमेंशंस विड्थ, थिकनेस एंड लेंथ ऑफ द की, क्या ये डिज़ाइन को सस्टेन कर पाएंगी, क्या इनके अंदर इन डायमेंशंस के साथ मेरा की का डिज़ाइन सेफ रहेगा अंडर द 2 failures। दो तरह से जो की फेल होती है दैट इज़ अंडर क्रशिंग एंड शीयरिंग। तो इसको 1 by 1 चेक करेंगे क्या ये जो डायमेंशंस हैं ये उसको बचा पाएंगी या नहीं बचा पाएंगी, या इनको थोड़ा कम ज़्यादा लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इसको चेक करने के लिए मैंने क्या किया, नाउ चेक द डायमेंशंस ऑफ द की अंडर द शीयरिंग एंड क्रशिंग फेलियर ऑफ द की। सो, सबसे पहले हम इसको चेक करेंगे शीयरिंग स्ट्रेंथ के साथ। हमें पता है कि जो शीयरिंग स्ट्रेंथ होती है की दैट इज ऑलवेज गिवन एज टी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू इंटू एल टाओ इंटू डी बाई टू। अगर इस फॉर्मूला को थोड़ा ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो टी है टॉर्क, जो जितनी प्रोवाइड हो रही है, जो जितनी हमें वैल्यूज दी थी उससे हमने कुछ वैल्यू कैलकुलेट कर ली, तो यहाँ पे जो की डायमेंशंस हैं वो सिर्फ हमारे पास 2 हैं, एक विड्थ है एक लेंथ है। इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली अगर हम इसमें कुछ वेरी कर सकते हैं तो सिर्फ उसकी विड्थ या लेंथ ही वेरी कर सकती है, ना टाओ वेरी करेगी ना डायमीटर ऑफ द शाफ्ट वेरी करेगा। तो इन दोनों को वेरी करवा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने यही जस्टिफाई करके दिखाना है कि अगर हमने जो अभी वैल्यूज़ निकाली हैं कि क्या वो वैल्यूज़ इस गिवन स्ट्रेस को सेटिस्फाई कर सकती हैं या नहीं कर सकती। तो हम क्या करेंगे, इस रिलेशन से टाओ की वैल्यू निकालेंगे, स्ट्रेस की वैल्यू निकालेंगे। तो ऑलरेडी वैसे टाओ की वैल्यू हमें गिवन है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, हमें इसको जस्टिफाई करके दिखाना है, चेक करना है। अगर हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू, मतलब कि जो यहाँ से हम टाओ की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, अगर वो वैल्यू हमारी गिवन वैल्यू से कम होगी या उसके इक्वल होगी तो डिज़ाइन हमारा सेफ रहेगा, अदरवाइज मेरा जो डिज़ाइन है वो सेफ नहीं होगा, अगर स्ट्रेस की वैल्यू इस फॉर्मूला से इन डायमेंशंस के साथ अगर ज़्यादा आ गई तो। फिर हमें की डायमेंशंस विड्थ के लिए लेंथ के लिए दोबारा रीडिज़ाइन करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे मैंने उसी को चेक करना है।
तो ये टाउ का फॉर्मूला इसी रिलेशन से मेरे पास ये बन गया, 2t अपॉन w इंटू एल इंटू डी इज इक्वल्स टू 2 इंटू ये टी की वैल्यू मैंने डाल दी, यहाँ पे विड्थ की वैल्यू 10 थी, लेंथ की वैल्यू 60 थी एंड डायमीटर था हमारा 40। तो यहाँ से जो कुछ कैलकुलेट किया तो मेरे पास वैल्यू आ गई 16.75 न्यूटन पर स्क्वायर mm, जो कि गिवन वैल्यू से काफ़ी ज़्यादा कम है। तो मैंने कुछ इस तरह से इसको नोट किया है, द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ द शीयर स्ट्रेस टाउ इज इक्वल्स टू 16.75, जो अभी मैंने वैल्यू कैलकुलेट की है, इज वेरी लेस देन द गिवन वैल्यू ऑफ द शीयर स्ट्रेस एज 60 न्यूटन पर स्क्वायर mm। तो गिवन वैल्यू हमारे पास कितनी थी, 60 न्यूटन पर स्क्वायर mm, तो उससे ज़्यादा काफ़ी कम है, उस वैल्यू से काफ़ी कम है। तो डायमेंशन जो होगी ऑफ द की एज विड्थ एंड द लेंथ ऑफ द की टेकन आर सेफ अंडर द शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द की। तो ये जो यहाँ से हमने दो डायमेंशंस ली हैं, ये इसकी जो हमारे पास शेयर स्ट्रेंथ है इसको झेल लेंगी, इसको सेटिस्फाई कर रही हैं। तो यहाँ से हमारे पास ये कंक्लूड हो गया कि दिस डिज़ाइन इज सेफ अंडर शेयरिंग स्ट्रेंथ। सो इसी तरह से हम नेक्स्ट डिज़ाइन करेंगे, नेक्स्ट हम चेक करेंगे इसी तरह से अंडर क्रशिंग के लिए। तो क्रशिंग स्ट्रेंथ जो हमारी की होती है वो इस तरह से कुछ दी गई होती है, टी इज इक्वल्स टू टी अपॉन टू विच इज स्मॉल टी विच इज टेकन एज द थिकनेस ऑफ द की इन टू लेंथ क्रशिंग स्ट्रेस इन टू डी बाई टू डायमीटर बाय टू। तो यहाँ पे भी हमारे पास सिर्फ दो फैक्टर्स ही हैं जो वेरी कर सकते हैं, जिनके कारण मेरा जो डिज़ाइन है वो फेल या पास हो सकता है। सो यहाँ से भी हम क्या करेंगे, स्ट्रेस की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो स्ट्रेस की वैल्यू कुछ इस तरह से कैलकुलेट होगी, सारे का सारा फॉर्मूला एज इट इज़ मैंने कन्वर्ट कर लिया। तो वैल्यूज पुट करेंगे तो यहाँ पे मेरी जो वैल्यू कैलकुलेट होके आई दैट इज 33.50 न्यूटन पर स्क्वायर mm। तो यहाँ पे भी अगर देखा जाए मेरी कैलकुलेटेड जो वैल्यू है ये 33.50 है और गिवन मेरे पास कितनी थी, दैट इज 120 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। तो गिवन वैल्यू से हमारी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा कम आई है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये जो मेरा डिज़ाइन है, द डिज़ाइन ऑफ की अंडर क्रशिंग फेलियर या क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ द की अंडर, ये मेरा डिज़ाइन फॉर थिकनेस ऑफ द की एंड लेंथ ऑफ द की इस डिज़ाइन को सस्टेन करेगा। सो यहाँ से कुछ मैंने इस तरह से लिख लिया, द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ क्रशिंग स्ट्रेस 33.50 न्यूटन पर स्क्वायर mm इज लेस देन द गिवन वैल्यू ऑफ द क्रशिंग स्ट्रेस, देयरफॉर द डिज़ाइन ऑफ द की अंडर क्रशिंग इज सेफ। तो ऊपर वाली जो मैंने वर्डिंग लिखी थी अब उसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में ही सीधा कुछ इस तरह से डिनोट कर लिया, तो इस तरह से भी आप सीधा नोट कर सकते हो। सो इसी के साथ मेरा ये वाला न्यूमेरिकल है वो तकरीबन कंप्लीट होने की कागार पे है, बट एक पार्ट मेरा बीच में रह गया कि यहाँ पे हमने की को तो डिज़ाइन कर लिया, बट लास्ट वाला जो हमारा पार्ट था जिसके अंदर हमने कंपेयर करना था, वो कंपेरिजन वाला पार्ट अभी रह रहा है। नेक्स्ट पार्ट इज टू चेक द शीयर स्ट्रेंथ ऑफ द की अगेंस्ट नॉर्मल स्ट्रेंथ ऑफ द शाफ्ट, कि यहाँ पे अब जो मेरी शीयर स्ट्रेंथ होगी की उसको मैंने कंपेयर करना है स्ट्रेंथ ऑफ द नॉर्मल स्ट्रेंथ ऑफ द शाफ्ट के साथ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी जो शीयर स्ट्रेंथ ऑफ द की है वो कितनी आएगी। तो हमें शीयर स्ट्रेंथ का फॉर्मूला अभी हम यूज़ करके हटे हैं, तो वही मैंने दोबारा नोट कर लिया, टी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू इंटू एल इंटू टाओ इंटू डी बाय टू। तो सारी की सारी मैंने वैल्यूज़ एज इट इज़ डाल ली। तो यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो अभी मैंने स्ट्रेस की वैल्यू निकाली है वो तो सिर्फ डिज़ाइन को जस्टिफाई करने के लिए निकाली थी, बट यहाँ पे जो स्ट्रेंथ ऑफ द की निकालेंगे कैलकुलेट करेंगे उसके लिए हमें जो डाटा गिवन है, जो स्ट्रेस की वैल्यू गिवन है वही यूज़ करके हम यहाँ से निकालेंगे कैलकुलेट करेंगे। सो टी इज इक्वल्स टू 10 इंटू 60 दैट इज़ लेंथ 60 इज टाओ एंड डायमीटर इज 40 डिवाइडेड बाई 2, इसको कैलकुलेट किया तो यहाँ से मेरे पास जो स्ट्रेंथ की वैल्यू आ गई दैट इज 720,000 न्यूटन्स। सो ये स्ट्रेंथ की वैल्यू है। इसी तरह से हम नेक्स्ट स्ट्रेंथ कैलकुलेट करेंगे दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ द शाफ्ट विद कीवे, कि जब शाफ्ट के ऊपर कीवे स्लॉट कट किया हो तो उस दौरान उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कितनी रहेगी। तो इसके लिए जो फॉर्मूला यूज होना है स्ट्रेंथ ऑफ द शाफ्ट दैट इज टी इज इक्वल्स टू पाई अपॉन 16 टाउ इंटू डी क्यूब इंटू ई। ई कौन सा फैक्टर है, हमने डिज़ाइन के अंदर ही एक स्पेशल वीडियो बनाया था इसके ऊपर, दैट इज शाफ्ट स्ट्रेंथ फैक्टर,
कि जब किसी भी शाफ्ट के ऊपर कुछ स्लॉट कट किया जाए जो कि हमें की को इंसर्ट करने के लिए यूज़ करना हो, तो उस दौरान उसके अकॉर्डिंगली मेरी जो स्ट्रेंथ ऑफ द शाफ्ट है वो कितनी डिक्रीज होती है। तो यहाँ पे जो ई फैक्टर है वो मुझे यही बताएगा कि कितनी उसकी स्ट्रेंथ जो है एक्चुअल स्ट्रेंथ से डिक्रीज होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ई को कैलकुलेट करेंगे। तो ई जो है उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास ई इज इक्वल्स टू 1 माइनस 0.2 डब्ल्यू अपॉन डी माइनस 1.1 इंटू एच बाय डी। यहाँ पे एच क्या था हमारे पास, दैट इज हाइट ऑफ द की वे, दैट इज टेकन एज थिकनेस ऑफ द की डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे सारी की सारी वैल्यूज मेरे पास ऑलरेडी पड़ी हैं, विड्थ मेरे पास है, डायमीटर है, हाइट मेरी टी बाय 2 करके निकल आएगी यहाँ से। तो सारी की सारी वैल्यूज मैंने एज इट इज पुट की, यहाँ से कैलकुलेट किया और ई की वैल्यू मैंने कैलकुलेट कर ली यहाँ से 0.8125। तो इसी फैक्टर को मैं अब यूज़ करूँगा ऊपर वाली इक्वेशन में जिसको मैंने अभी यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 बोला है। तो इसी के अंदर जब हम यूज़ करेंगे तो हमारा जो फॉर्मूला है वहाँ से कैलकुलेट हो गया, वैल्यू स्ट्रेंथ किया गई, t इज इक्वल्स टू पाई अपॉन 16 इंटू 60 इंटू d की वैल्यू उसका क्यूब इंटू ई वाला फैक्टर। तो इसको जब हमने कैलकुलेट किया तो यहाँ से मेरे पास जो स्ट्रेंथ ऑफ द शाफ्ट आ गई विद की वे 612.56 न्यूटन्स। तो यहाँ से अब हमने इनको कंपेयर करना है। तो कंपेयर जब करेंगे तो हम क्या करेंगे, जैसे ही हमें क्वेश्चन में गिवन था कि जो स्ट्रेंथ ऑफ द की है उसे हमें डिवाइड करके देखना पड़ेगा कि उसके रिस्पेक्टिव जो मेरी स्ट्रेंथ ऑफ द शाफ्ट है वो कितने गुना ज़्यादा या कम आती है। तो वहाँ पे कुछ इस तरह का क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं तो हम रेशियोज़ कैलकुलेट करते हैं। तो रेशियो कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या किया, शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द की जो थी उसको डिवाइड कर दिया नॉर्मल स्ट्रेंथ ऑफ द शाफ्ट से। तो दोनों की दोनों वैल्यूज अभी हम कैलकुलेट करके हटे हैं, तो 720000 डिवाइडेड बाय दिस मच वैल्यू जो अभी हमने कैलकुलेट की। तो यहाँ से हमारे पास एक रेशियो निकल के आई 1.175। इसको मैंने राउंड फिगर ले लिया, दैट इज 1.2। तो 1.2 के नियर अबाउट ले सकते हैं क्योंकि इससे पीछे वाला जो डिजिट है 5 से प्लस है, तो पीछे वाला जो है पहले वाला उसको मैंने 1 इंक्रीज कर दिया, तो दैट इज़ 1.2। तो यहाँ से हमने एक कंक्लूजन निकाल लिया कि जो स्ट्रेंथ ऑफ द की है दैट इज 1.2 टाइम्स द नॉर्मल स्ट्रेंथ ऑफ द शाफ्ट, कि जो शाफ्ट ऑफ शीयर स्ट्रेंथ ऑफ द की है वो 1.2 टाइम्स ज़्यादा है नॉर्मल स्ट्रेंथ ऑफ द शाफ्ट से। सो इसी के साथ मेरा ये जो क्वेश्चन था ये कंप्लीट हो चुका है। होपफुली आपको सारे का सारा क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आया होगा। अगर कोई स्टेप आपको नहीं समझ लगा तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। सत श्री अकाल।